हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में देख रहा था मैथ में हम लोग कि बहुपद क्या होता है ना, बहुपद का कॉन्सेप्ट समझाता है, कैसे बहुपद को पहचानेंगे ना, कोफिशिएंट बहुपद का क्या होता है ना, डिग्री क्या होता है। उसी से बेसिस जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आज करेंगे, है ना। क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है कुछ, पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि बहुपद को पहचाने, ये जो टर्म दे रखे ना क्वेश्चन, इसमें बहुपद पहचानना है, कौन बहुपद होगा और कौन नहीं होगा। तो हमने एक चीज़ बताया था कि बहुपद होने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, बहुपद किस रूप में होता है। तो बहुपद जो होता है अचर गुना चर का पावर पूर्ण संख्या, इस रूप में जो भी हो वो बहुपद कहलाएगा। हमने टाइप्स भी बताए थे बहुपद के, उस पर भी बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब लेते हैं पहला क्वेश्चन। हमने ये भी बताया था कि अगर बहुपद का योग हो तो बहुपद ही होता है ना, बहुपद में गुणा हो तो वो भी क्या होगा, बहुपद ही होगा। पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 है ना, क्या यह बहुपद है। तो जितना भी पिछला क्लास हम लोगों ने किया था उससे ये लग रहा है कि ये बहुपद है। क्यों है कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ गुना में क्या है, वन है ना। और इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो क्या है, वन क्या है, अचर पद है, चर एक्स है और उसका ये जो है पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। उसी तरह से 3x भी एक बहुपद है। 3x क्या है, 3 गुना x और x का पावर कितना, 1, तो ये भी एक बहुपद है, ठीक है। और 6 भी एक क्या है, बहुपद है। बहुपद क्यों है कि कांस्टेंट बहुपद है, तो ये पूरा टर्म का जो क्या होगा, बहुपद होगा, है ना। बहुपद होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है x प्लस 2x, अगला जो है क्या है, x प्लस 2x है, तो x प्लस 2x इस तरह से। अब इसमें क्या होगा, x बहुपद है क्या, तो हम बताए थे कि x बहुपद होता है। क्यों भाई, कि इसके साथ गुना में क्या है, वन, वन गुना x और पावर वन, तो इस रूप में आ गया कांस्टेंट इनटू चर का पावर पूर्ण संख्या। अब इस रूप में आ गया, चलो ये टर्म क्या है, 2x है ना। अब 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना x का पावर -1। पहला चैप्टर में हम ये चीज़ बताए थे कि अगर पावर इस रूप में हो तो ये ऊपर जाता है तो पावर जो है माइनस हो जाता है ना। क्या ये होल नंबर है, नहीं है। अचर का पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर हमको पता है कि 1 2 3 4 इस तरह से होता है ना। तो क्या ये होल नंबर है, नहीं है, तो बहुपद है। ये तो बहुपद है लेकिन ये नहीं है, इसलिए ये पूरा टर्म बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, 3√x प्लस रूट, पहला टर्म अगर हम लें 3√x, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3√x को x का पावर 1/2 लिखा जा सकता है। रूट में कोई भी संख्या हो तो हम क्या करते हैं, देखिए कि इस तरह से है तो ये 2 होता है, यहाँ पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा कि 1/2, रूट हटेगा तो इस तरह 3 पहले से था। तो क्या ये होल नंबर है, तो आप देखोगे कि नहीं, ये परिमेय संख्या है, ये बहुपद नहीं हुआ, तो ये पूरा बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर इसका पावर देखो क्या है, माइनस है, ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ रूट में आ गया रूट यू, तो रूट यू का मतलब क्या हुआ, यू का पावर 1/2। रूट यू का मतलब क्या हुआ, रूट यू का मतलब यहाँ 2 है, यू का पावर कितना है, 1 है, तो यू का पावर ये ऊपर रह जाता है और ये जो होता है नीचे आ जाता है। पहला चैप्टर में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था, है ना। तो
यू का पावर 1/2, और 1/2 जो है वो होल नंबर है? नहीं है। होल नंबर की शुरुआत जीरो से होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते लास्ट तक, इन्फिनाइट तक। तो ये नहीं है, तो ये पूरा जो होगा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आगे है √2y³+√3y, है ना। क्वेश्चन जो है √2y का पहला टर्म देखें तो क्या है, √2y³। अच्छा, √2 क्या है? ये एक कांस्टेंट पद है, है ना, कांस्टेंट टर्म। y एक चर मान और इसका पावर 3, और 3 क्या है, होल नंबर है, तो ये तो बहुपद होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं √3y, तो √3 कांस्टेंट y, y का पावर क्या है, 1, कुछ नहीं होता है तो पावर 1 होता है, तो हम इसको देख सकते हैं कि ये भी बहुपद है, और दोनों बहुपद का योग हमेशा क्या होता है, बहुपद होता है, तो वो क्या होगा, पूरा बहुपद होगा। नेक्स्ट देखिए √3t, तो ये तो बहुपद होगा, देख लीजिए √3 और टी, टी का पावर कुछ नहीं तो 1, तो ये क्या हो जाएगा, अचर गुना चर का पावर पूर्ण संख्या, है ना, इस रूप में हो गया। लेकिन इसको अगर हम देखें √2 √t, है ना, √2 × √t है, तो इसका मतलब √t को हम क्या लिख सकते हैं, t² 1/2, तो ये बहुपद नहीं है, इसका पावर होल नंबर नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये तो सीधा सीधी दिख रहा है कि ये बहुपद है, क्यों भाई, क्योंकि ये कांस्टेंट है। हम बताए थे कि कोई भी अगर कांस्टेंट हो तो ये बहुपद के रूप में होता है, इसको कांस्टेंट बहुपद कहते हैं। ये भी देखो चर मान क्या हो गया, y² 2, ये एक बहुपद है प्लस कांस्टेंट, तो बहुपद प्लस कांस्टेंट बहुपद, तो ये बहुपद होगा। उसी तरह से ये देखो होल नंबर है, ये भी होगा, इसका पावर 1 है, ये भी होगा कांस्टेंट, तो होगा ही, तो ये भी एक बहुपद है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है बहुपद को पहचानने के लिए कि इनमें से कौन बहुपद हैं, तो आप उसमें सेलेक्ट करोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि इसमें गुणांक को लिखना है ना, इसमें x² का गुणांक लिखना है, इसमें y² का। तो गुणांक हम बताए थे कि जिस भी चर मान का गुणांक निकालना होता है उसके साथ जो अचर पद होता है उसको गुणांक बोला जाता है ना। अगर कोई भी a x का पावर कुछ भी हो तो x का गुणांक क्या होगा, इसके साथ जो मल्टीपल में रहता है। तो देखिए x² को हम लोग लेके चलेंगे, x² का गुणांक क्या होगा, तो आप देख लो क्या होगा, इसके साथ गुना में क्या है, 1 है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 1, तो इसमें 1 हो जाएगा आंसर। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी x² का गुणांक क्या है, यहाँ मल्टीपल में क्या है, 1, ये आंसर हो जाएगा 1। इसमें अगर हम देखें तो x² के साथ क्या है गुना में, π/2, तो x² का गुणांक π/2, तो यहाँ π/2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ x² के साथ क्या है, -x² है, मतलब x² के साथ क्या है गुना में, -1 है, यहाँ क्या है, -1, तो यहाँ जो हो जाएगा -1 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये चीज़ को देखने वाला है कि 6 में तो x² है ही नहीं, तो हम बताए थे लास्ट वीडियो में कि कांस्टेंट बहुपद इसको क्यों बोला जाता है, बहुपद के फॉर्म में होता है क्यों, क्योंकि 6 गुना इसको हम लिख सकते हैं x⁻⁰। क्लियरली है ना, क्या लिख सकते हैं, 0, सॉरी x² के टर्म में लिखना है, तो 0 गुना उल्टा हम बता दिए, एडिट कर लेंगे, 6 गुना अगर बात करें तो कांस्टेंट पद का गुणांक जो होता है हमेशा जो होता है 0 होता है ना, क्या होता है, 0 होता है, क्यों, क्योंकि इसमें तो x² है ही नहीं,
अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक, एक्स स्क्वायर नहीं है, क्लियर, हम जीरो को। अब यहाँ वाई क्यू की अगर हम बात करें, वाई क्यू का गुणांक क्या होगा? तो वाई क्यू के साथ गुणा में क्या है? माइनस वन। तो इसका हो जाएगा माइनस वन। यहाँ वाई क्यू का बात करें तब भी यहाँ क्या है? माइनस वन, गुणा में है माइनस वन, तो गुणांक माइनस वन। यहाँ वाई क्यू की बात करें तो चार बटे तीन वाई क्यू, यानी इसके साथ गुणा में क्या है? चार बटे तीन। तो इसका गुणांक जो होगा चार बटे तीन होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे गुणांक पे, जो भी टर्म दे रखा, जो भी एक्स, अब यहाँ एक्स वाई क्यू की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर और वाई से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ क्यू वाला टर्म देखेंगे और क्यू के साथ गुणा में जो भी है वो उसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरह से है, बहुपद को मानक रूप में लिखें। हमने बताया था मानक रूप क्या होता है ना, चर मान के घटते या बढ़ते क्रम में लिख देना पावर को, है ना। तो इसमें देख लेना है कि सबसे बड़ा कौन पावर है, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़ा पावर, इसके बाद ऐसे करते जाएंगे, है ना। तो सबसे बड़ा पावर इसमें देखोगे तो x का पावर 5 है, तो मानक रूप क्या होगा इसका? x का पावर 5, उसके बाद बड़ा पद प्लस 2x का पावर 4, उसके बाद 2, तो माइनस x का पावर 2, है ना, माइनस बच गया रूट 3x। ये आपका आंसर हो जाएगा मानक रूप का, हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, सबसे बड़ा पावर क्या है ये टर्म का है, तो माइनस 2y का पावर 4, उसके बाद माइनस वाई का 3, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या बच गया? प्लस 3y, और फिर लास्ट में जो होगा कांस्टेंट पद होगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये तो मानक रूप में ही दे ही रखा है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये ऐसा ही रह जाएगा, 3/7 एक्स स्क्वायर प्लस 12/5 एक्स माइनस 7, इसमें चेंजिंग होगा। सबसे बड़ा पावर ये इस टर्म का, तो इसको पहले लिखेंगे माइनस 4xq, उसके बाद का बड़ा पावर प्लस 3x², उसके बाद माइनस 7x, और फिर कांस्टेंट पद 5, ये इसका आंसर होगा। ठीक, इसको अगर देखो तो सबसे बड़ा पावर किसका है? इस टर्म का है, तो माइनस 7/2t³, उसके बाद t² यानी माइनस 8t², उसके बाद यहाँ 1 पावर है तो ये हो जाएगा प्लस √3t, और फिर लास्ट में जो होगा वो कांस्टेंट पद होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो मानक रूप इस रूप में होता है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आता है, अगला टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें घात चेक करना कि बहुपद का घात क्या होगा, है ना। हमने घात के बारे में बताया था कि मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलीनोमियल जो होता है, सबसे बड़ा पावर जो होगा इसमें वो क्या होगा? वो घात कहलाएगा, चर मान का सबसे बड़ा पावर। तो इस पॉलीनोमियल में सबसे बड़ा पावर क्या है? 5, तो घात क्या हो जाएगा इसका? 5। इसकी अगर हम बात करें कितना? 2। इसकी बात करें 8। इसका अब देखो, इसमें देखा जाए 2, तो इसमें तो चर मान है ही नहीं, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 × x² 0। क्या लिख सकते हैं? 2 × x² 0, और ये क्या हो जाएगा? घात कितना? 0, क्योंकि इसमें चर मान नहीं था और चर मान का ही घात हमको पता करना होता है। इसका क्या हो जाएगा? पावर कितना है? 1 है, तो घात कितना हो जाएगा? 1। इसमें थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा, टी से इसमें गुणा करोगे टी स्क्वायर से, 3t² कितना? 3 और माइनस 6t²
अब बड़ा पावर इसमें क्या दिख रहा है, तीन, तो इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से घात चेक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है क्वेश्चन इस टाइप से है, एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद को पहचानना है ना। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कैसे पहचानेंगे, टाइप्स ऑफ बहुपद में आप देखिए जब, तो ये मिलेगा ना। ये क्या बोला जाता है, एक टर्म है तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, एकपदी ना, एकपदी। इसमें कितने टर्म है, एक ही टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, एकपदी हो जाएगा। इसमें कितने टर्म है, एक और दो, ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विपदी। इसमें भी दो पद है द्विपदी, इसमें तीन पद है तो त्रिपदी, और इसमें दो पद है तो द्विपदी, है ना। लेकिन इसमें दो पद नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7x² में से 5x² घटा दिया जाए कितना बच जाएगा, 2x², और कितना पद है, ये एक ही पद है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक पद है। जब भी जो है चर मान का पावर सेम हो, ठीक है, क्या हो, सेम हो, तो वो एक ही पद में आता है, या तो वो घटेगा या जुटेगा, ठीक है। तो ये एक पद ही है, देखने में लग रहा है कि दो पद है, लेकिन अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये एक पद में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो कि अगर चर मान बराबर है, यानी यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और इसका पावर भी बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही पद में आ जाएगा, चाहे आप कितना भी ले लो। जैसे 3x² प्लस 4x² माइनस 8x² प्लस 3x² इस तरह से आप करते जाओ, तो आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। तो इसका मतलब ये कौन सा बहुपद हुआ, 1, 2, 3, 4 पद में नहीं है, एक ही पद है, एक पद, ठीक है। क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो प्लस वाला के साथ जुट के घट के एक ही पद में आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, रैखिक, द्विघात एवं त्रिघात बहुपद को पहचानना है। हम बताए थे कि रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो, है ना, द्विघात बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, और त्रिघात जिसका मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 3 हो। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विघात। इसमें 3 है तो क्या हो जाएगा, त्रिघात। इसमें 1 है तो क्या हो जाएगा, रैखिक। इसमें कितना है, 3 है तो ये हो जाएगा त्रिघात। इसमें 2 है तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात। और इसमें भी 2 है तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात, ठीक। इजी था, देखते हैं नेक्स्ट। उदाहरण देना है ना, 25 के घात का एक पद वाला के बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें 25 घात हो और एक पद हो, तो ये क्या हो जाएगा, 25 घात का मतलब किसी भी चर मान का पावर 25। एक्स ही ले लेते हैं, एक्स का पावर 25, यहाँ कुछ रख सकते हैं, 9 - 9, 3, 2 कुछ भी, या सिंपल इसके बहुत तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये एक पद में है, इसका पावर कितना है, 25। तो सिंपल सा एक उदाहरण ले लीजिए, एक्स का पावर 25 वाला आंसर हो जाएगा। 15 घात का द्विपदी बहुपद, अब घात कितना होना चाहिए, 15, और कितने टर्म में होना चाहिए, 2 टर्म में। आप कोई एक चर मान लो, जैसे मान के चलो एक्स ही लेते हैं, इसका घात कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, और 2 टर्म में आगे कुछ भी रख लो, 3 रख लो, 2 रख लो, एक्स रख लो, एक्स का पावर 2 रख लो, है ना, अनंत बना सकते हैं इस तरह से। 8 घात का त्रिपदी बहुपद, घात जो है क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 3 गो पद होना चाहिए, वो ये 3 गो पद हो गया, है ना। शून्य घात का एक पदी बहुपद जो होता है, शून्य घात का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट बहुपद, है ना, कोई भी कांस्टेंट का मान ले लो शून्य घात हो जाएगा। द्विघात का त्रिपदी बहुपद, घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये आपका 3 पद में भी होना चाहिए, तो 3 पद में हो गया।
चार घात का द्विपद ही बहुपद। घात कितना होना चाहिए? चार, दो पद होना चाहिए। लीजिए भाई, यही है ना। तो इस तरह से हमने जितना कॉन्सेप्ट बताया था उस पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के बारे में देखेंगे कि बहुपद का मान कैसे निकालता है, कैसे सॉल्व किया जाता है बहुपद को, और उसका शून्यक कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।